मुकेश अंबानी का घर है। ये सबसे अच्छी चीज़ें इधर दे दो, ये ब्रिज बन रहा है जो समुंदर के बीचों बीच से राधे राधे, वेलकम टू अंकुश सोलंकी ब्लॉग। जैसे कि पता हो आप लोगों तो नाम मेरा अच्छे से पता ही हो गया होगा। तो मैं कह रहा था आज मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो फिर मिलते हैं मुंबई के, कुछ अच्छे प्लेसेस आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं मुंबई, बाय गाइस। अरे गाइस, हम बम्बई के लिए निकल रहे हैं। देखो हमारे एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का, बारिश का मौसम भी बन चुका है। गाइस मैं फाइनली मुंबई पहुंच चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं ये मुंबई का नज़ारा है, और कितनी ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया लग रहा है। आप लोग देख सकते हो ये नज़ारा। गाइस फाइनली पहुंच गए इस लोकेशन के बारे में आप लोगों को बता रहा था मैं। देख सकते हैं आप लोग, ये लोकेशन है मुंबई का हाजी अली, हाजी अली का है, देख सकते हैं आप लोग। मेरा हाजी अली दरगाह, चलो फिर आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को समुंदर का नज़ारा। ये देखो गाइस, तो पहुंच गए हम एकदम। व्यू देखो यहाँ का, व्यू क्या मस्त है। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लहर, एक चीज और दिखा रहा आप लोग, ये देखो मुकेश अंबानी का घर है, ये वाला, ये मुकेश
मुकेश अंबानी का घर है। ये हमारे दो बंदर बैठे हुए हैं, ये देखो। अरे हाय बोल हाय। तो गाइस लोगों ने देख लिया आज हाजी अली लोकेशन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, देख लो कितनी भीड़ है, भीड़ देखो भीड़। अभी जब हम लोग आए थे तो ये पूरा बिल्कुल ही सूखा था, 15-20 मिनट के अंदर ना ये सारा नहर से भरा, ये पूरा सूखा हुआ था। ये जो दिख रहा है आप लोगों को वो लाइनें पूरा वहाँ तक पूरा सूखा था, ये अभी पूरे भर गया 10-15 मिनट के अंदर। और धीरे धीरे पानी की लहर बहुत ही तेज, देख सकते हैं आप लोग। ये सबसे अच्छी चीज़ें इधर दे दो, ये ब्रिज बन रहा है जो समुंदर के बीचों बीच से, ये बस कुछ ही दिनों में अब चालू होने वाला है। अभी काम तो बहुत दिन पहले स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग ये समुंदर के बीचों बीच ये ब्रिज। ये देखो गाइस ये लहर, चलो फिर हाजी अली का लोकेशन तो आप लोगों को दिखा दिया मैं, अब चलते हैं फिर माता रानी का दर्शन करने, महालक्ष्मी मंदिर। तो गाइस हम महालक्ष्मी मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अब माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। वो दे रहा है। तो गाइस मैं कबूतर को दाना खिला रहा हूँ, देखता हूँ मेरे हाथ से ये दाना खाता कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग कितने सारे कबूतर हैं, लेकिन ये किसी के हाथ से दाना खाता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये चीट के ऐसे करके दो, उसको फैला के दो तो खाता है, बाकी वैसे नहीं खाता किसी के हाथ पे। देखो ये खा ही नहीं रहा है, देख सकते हो आप लोग। कबूतर बहुत बड़े चालाक होते हैं, इसको लगता है जो हम इसको पकड़ लेंगे। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं,
बहुत थक गया आज, आप लोगों को दिखाया मैं आज हाजीली दिखाया, और सॉरी आप लोगों में महालक्ष्मी मंदिर नहीं दिखा पाया पूरी अच्छी तरह, क्योंकि महालक्ष्मी मंदिर में ना फ़ोन अलाउ नहीं था। थोड़ी देर तो गया, लेकिन जब मंदिर में जैसे ही एंट्री किया वैसे ही फ़ोन जमा करवा लिया, इसलिए फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को माता रानी का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत हो गया है दर्शन माता रानी का। जो तस्वीर बाहर लगी थी ना उसमें मैंने तस्वीर से थोड़ा सा वीडियो बनाया मैंने। चलो फिर आज मैं बहुत थक गया हूँ, पता ही होगा इतना दूर 3-4 घंटे का सफ़र आने या 3-4 घंटे जाने, मतलब 8-10 घंटे मान लो मेरा आने जाने में ही लग गया। पूरे सुबह 8 बजे निकला, शाम को रात को मैं 10 बजे पहुँचा, अभी 10 बज रहा है। तो फिर चलते हैं गाइस, सब बहुत थक गया हूँ, मैं भी फ्रेश होके फिर थोड़ा आराम करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग जहाँ कैसा लगा, और अपना चैनल ये अंकुश लंकी ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, गुड नाइट, ओके, टेक केयर, बाय।